पायल छोटे से क्लाइंट आए हैं, कोई बहुत ही प्यारा सा क्लाइंट आया है, छोटा सा एकदम नन्ना मुन्ना सा। मैंने यहाँ पे हाइड्रा फेशियल कराया है, एक नंबर सर्विस है और रिजल्ट भी देख लो। रामहंडी छोरा एंडी एंडी काम करूंगा, काम गेला मां बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ब्लू मेक में आए हैं उन सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। अभी मैं जाती हूँ ऑफिस में। सर मैं घर से धो आई थी, टाइम नहीं था ड्रायर करने का, तो मेरा सैलून में करवा लूंगा, तो मैं ड्रायर करा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा ना सबसे पहले यहाँ पे आते ही ये काम होता है कि मैं आती हूँ, आते अपना जो हमारा डिफ्यूजर है ना मैं कॉल करती हूँ, तो हमारा जो पैंट्री वाले भैया मैं उसको समझा रही हूँ कि बेटा आपको इसको कैसे करना है, क्योंकि दो तीन दिन से मैं कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे आने से पहले ये ऑन रहे, कि हमने बड़े प्यार से लिया था, तो मैं इसको सिखा रही हूँ। ठीक है इतने पानी के अंदर हमें इसकी 1 2 3 4 5 6 बस 6 ड्रॉप्स डालनी है, ये डेली करना। उसके बाद इसको हमें ऑन करना है, ठीक है, यहाँ पे लाइट जलानी है, फिर यहाँ से ऑन ये लिखा है 1 घंटा 3 घंटा 6 घंटा लिखा है, 6 घंटे पे इसको रख देना है, ठीक है, और बस डेली करना है तुम्हें इसको 6 घंटे पे, इसको ऐसे आगे करके रख देना, ठीक है। भाई आज मैं स्किन ग्लो कर रही है ना, बोला तूने बहुत पानी पिया। तो गाइस आप लोगों को बता दें, देखो स्किन पे आप कुछ भी करो बट स्किन के साथ साथ ना पानी पीना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि आप ट्रीटमेंट्स लो, मेडिसिन जो है वो लो, क्रीम्स लगाओ, बट वाटर इंटेक पूरा रखो। तो मैं इसके बाल कर दूँ, आप टेंशन मत लो, पूरे अंदर तू रहने दे। नहीं, छोटे से क्लाइंट आए हैं, कोई बहुत ही प्यारा सा क्लाइंट आया है, छोटा सा एकदम नन्ना मुन्ना सा, जल्दी आ जो वेलकम टू द ऑफिस आपके सर आ गए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आपको पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, स्किन की बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली। तो भाई यहाँ पर खान हो गए, खान इस्माइल खान प्रिंस भाई आ गए हैं, और प्रिंस भाई को ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट लेके जाएंगे उसके? बस स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी भैया ने कहा मेरे पास आओ मैं कराता हूं इलाज। आ जाओ। मोबाइल पहला क्लाइंट देखा ऐसे कि उसको कुछ नहीं चाहिए है, कोई सर्विस नहीं चाहिए, वो कह रहा है मेरे को सिर्फ बाबू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और खुश चाहिए। यहाँ पे ना आके बैठ गए। आपको कुछ चाहिए? टी कॉफी समथिंग कुछ चाहिए? चाय पियोगी? शू पियोगी? शू गाइस को हाय बोल दो, हाय हाय बोल दो गाइस को, हाय बिचकुन कर रहा बिचकुन। जेट बलून कहाँ पे? कहाँ पे? इतना एंजॉय कर रहा है यहाँ पे, इसका मन नहीं कर रहा जाने का, मैं घर चला जा, कह रहा नहीं जाऊंगा, बहुत एंजॉय कर रहा है, इसको आते ही बस बैबूम चाहिए। और चलो अच्छी बात है ना, बच्चे अभी से आने लग गए यहाँ पे, फिर इनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आके बैठना है, संभालना है। तो गाइस आप सभी को पता है कि पायल ने एक्सट्रीम वेट लॉस किया था, तो जब हम वेट लॉस करते हैं ना तो साथ ही साथ में हमारे हेयर फॉल भी होता है, तो उस हेयर फॉल को रोकने के लिए, न्यू ग्रोथ वापस लाने के लिए, तो आज हम करवाने वाले हैं हेयर पीआरपी। तो ऑलरेडी पहले भी पायल करवा चुकी है, तो अभी दोबारा करवा रही है। जय दो मम्मा, मम्मा पिछन, मम्मा का खुला लिए पायल देख रहे, मम्मा हुई हुई, मम्मा लुई लुई कर ली थी, जो ना मम्मा पास, मम्मा को चुप करा दो, जो चुप हो जाओ मम्मा, मम्मा चुप हो जाओ मम्मा। इमोशनल है वो, बहुत इमोशनल है, इसको ना लगता है ना कोई यहाँ परेशान है, तो वो रोता है उसकी परेशानी में। नहीं डोंट क्राई, यू डोंट क्राई। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं ना इसको ना घर पे छुड़वा देती हूँ, क्योंकि क्या ना यहाँ पे ना सारी ऐसी चीजें, जैसे पीआरपी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ये भाई बच्चों के लिए खेलने की ठीक है जगह है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा नहीं, छोड़ दे आओ खेली खेली करके। बैबू इतने सारे दिए थे आपको बैबू, फिर आप कह रहे हो बैबू और अरे मम्मा को मम्मा करो, फिर दूंगी बैबू, करो करो, लालच लालच, दिख दिख कर नहीं रहा, देखियो एक बार कर दो, एक बार कर दो अम्मा, क्यों नहीं करता, एक बार कर दो, कर दो ना प्लीज ना, बड़ा चालू है। तो फिर से पॉपी, इसको पता चल गया हमें पॉपी बड़ी है, बार बार आता है और बोलता है मम्मा पॉपी, पॉपी पता क्या है दीपक? टॉफी के लिए बोलता है, हां टॉफी लेके खुद से आ रहा है, गिर जाएगा
अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर बच्चे यहाँ पे है ना, ये सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करेगा, देख लीजिए सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसको सीढ़ी चढ़ने आ रही है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है, घर पे तो उसको मौका मिलता नहीं सीढ़ी चढ़ने का। वाओ वेरी नाइस, के पापा को दिखाती हूँ। पापा योगेश देख, अच्छा खुद चढ़ा है, देख तू पैर का रख रहा, देखियो मुंह फूटेगा, उतर आम उतरना सिखाओ, अच्छा नीचो नीचो गिर जाओगी। हेलो प्रिंस भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया, क्या करवाने आया आज? मैं करवाने आया हूँ हाइड्रा फेशियल, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फेशियल है आज के टाइम में, और रिजल्ट भी अच्छा आता है, इसीलिए मैं सोनीपुर से चढ़ के चंडीगढ़ आया हूँ स्पेशल करवाने। क्लिनिक पे आपको हमारी जो स्लिमिंग किट है वो भी मिलेगी, काफी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि हम लोगों ने अपना वेट लॉस कैसे किया है, तो स्लिमिंग किट ने मेरी और पायल की बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो भाई मेरी पायल एक्स्ट्रा स्मॉल टी शर्ट में मैं हूँ, हम पहनते थे लार्ज और एक्सल पहनते थे, मेरे पास ज़ारा के ना अभी भी कपड़े पड़े हैं पायल, जिसमें हमने लार्ज और एक्सल शर्ट्स लेके रखी हुई है, तो मैं सोच रही इस साल वो शर्ट्स को थोड़ा सा साइज से यहाँ से टांका वांका लगवा के ठीक करवा लूंगी, क्योंकि देखो मेहनत से कमाई वाले कपड़े हैं तो मैं नहीं चाहती वेस्ट हो। तो भाई ये स्लिमिंग किट आप बाय कर सकते हो, इनमें आपको पता है तीन चीजें मिलती है, प्योर वाइटल्स, मल्टीविटामिन और शिलाजीत, और साथ ही साथ ना स्लिमिंग किट के साथ साथ वर्कआउट एंड डाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये तीनों चीजें साथ में फॉलो करते हो ना तो आपको पतला होने से कोई नहीं रुक सकता। तो भाई यहाँ पर हमारे जो प्रिंस भैया है वो करवा रहे हैं हाइड्रा फेशियल, और ना मोस्टली सैलॉन्स में क्या होता है हाइड्रा फेशियल में ना तीन या चार स्टेप्स ही होते हैं, बट ये एडवांस हाइड्रा फेशियल की मशीन है, इसमें आपको मिलते हैं मल्टीपल स्टेप्स जिससे आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, शाइन करेगी, एक जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा ना मतलब कि अच्छा सा हो जाएगा, और ना स्किन ना हाइड्रेट होगी। तो भैया का भी चल रहा है हाइड्रा फेशियल। तो ये जो प्रोसीजर है ना थोड़ा सा पेनफुल होता है, तो आपको पेन महसूस ना हो इसलिए आपको जो है जहाँ जहाँ पीआरपी की जरूरत है वहाँ वहाँ ये नमिंग क्रीम लगाई जाती है, और ये डबल इफेक्टिव है, पहले ये स्प्रे कर रहे हैं उसके बाद ये लग रहे हैं। सो गाइस जैसे कि पता है एज 31 हो गई है, तो फेस को हेल्दी रेजुनोवेट ग्लो रखने के लिए ग्लोइंग करने के लिए बहुत जरूरी है फेस पीआरपी, तो आज मैं करवाने वाली हूँ फेस पीआरपी, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी इससे पहले नहीं कराई है, तो मुझे अब लग रहा है शायद इसकी जरूरत है, तो अभी क्या फेस सबसे पहले होगा क्लीन। भाई लोग तुम्हारा भाई था स्किन को लेके बहुत परेशान, तो मेरे को ब्लू में क्लिनिक के बारे में पता लगा, तुम्हारा भाई यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे हाइड्रा फेशियल कराया है, एक नंबर सर्विस है, और रिजल्ट भी देख लो तुम्हारे सामने है, काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, तो अगर तुम भी परेशान हो तो डॉक्टर से आके मिलो, कंसल्ट करो और अपना ट्रीटमेंट कराओ, एक नंबर फैसिलिटी है सारी। तो जैसे कि मैंने अपने हेयर पे कराया हेयर पीआरपी, तो वो लोग करा रही है फेस पीआरपी, जिससे कि आपकी जो स्किन है और भी ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा रेजुनेटिंग जो होता है एक सेंटेंस होता है जो डॉक्टर्स ने बताया मुझे, वो मैं डॉक्टर से बात पूछ के बताऊंगी। तो अभी इनको नमिंग क्रीम लग रही है, और उसके बाद जो है निडल से जो है इनका खुद का ब्लड का प्लाज्मा जो है इनके फेस पे अप्लाई किया जाएगा। तो ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है पाई क्या है, कि दो दिन मुझे मेकअप नहीं करना, सही है ना, मेकअप नहीं करूंगी, तो फिर आप लोगों को ना पता चल जाएगा कि मेरी जो स्किन है वो कैसे है, क्योंकि देखो मेकअप के बिना रहना भी एक बहुत मुश्किल टास्क है ना। तो भाई 40 मिनट्स हो गए हैं जो नमिंग क्रीम अप्लाई की थी हो गया, तो अभी मैं दे रही हूँ अपना ब्लड सैंपल, और बहुत अच्छा होता है, देखो फेस पीआरपी भी बहुत अच्छा होता है, हेयर पीआरपी भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा खुद का प्लाज्मा हमारी बॉडी में ही होता है, वे बहुत ही सेफ है। तो अभी मैं यार फर्स्ट टाइम करा रही हूँ, देखते कैसे रिजल्ट आते हैं, आई एम श्योर 100% कि अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं खुद करवा रही हूँ, ठंड हो गई, मैं तो कैन पंखा बंद करती हूँ, मुझे तो ठंड लगना स्टार्ट हो गया मौसम, क्या शाम सुबह तक तो मौसम ठीक रहता है, शाम को मौसम चेंज हो जाता है, ठीक लग रहा है, और मेरे हाथ दोनों जगह से खून निकला, क्योंकि मैं इस साइड से ना ब्लड आया तो मैं हिल गई डर के मारे खून देख के, फिर यहाँ से दिया, तो अभी जो मेरा ब्लड है वो ले लिया, प्लाज्मा बनने के लिए लगेंगे 10-15 मिनट के बाद जो मेरा प्रोसेस है वो स्टार्ट। भाभी मैं से पूछ रहा था, जैसे पायल भाभी कुछ करवाते हैं ना, आप भी वही करवाते हो? चल सेम थोड़ी कराया, उसने सर का कराया, मैंने फेस का कराया, अगर वो फेस का कराती तो मैं सर का कराती, दोनों ने अलग अलग कराया, उसने बालों का करवाया, मैंने फेस का करवाया, अब खुद का क्लिनिक है, खुद करवाना तो पड़ेगा ना, चीजें मैं करवाऊंगी तभी लोग करवाएंगे ना।
लोगों को पता चलेगा ना। तो गाइस मैं अगर कुछ करवाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा इसके बेनिफिट, क्योंकि देखो मैंने स्लिमिंग किट यूज करी, वेट लूज किया, तो आप लोगों को बता रहा। मैं कोई पानी पीती हूँ अपनी स्किन हेल्दी रखने के लिए, तो मैं हमेशा शेयर करती हूँ हर एक जगह, चाहे वो स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो। अब मैं ये करवा रही हूँ फेस पीआरपी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा मैं आपसे शेयर करूंगी, ताकि भाई मेरी क्लाइंट मेरी ऑडियंस भी करा सके। तो भाई फिलहाल हमारा जाने का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। और जाते जाते ये बताना चाहती हूँ जिन लोगों ने अभी तक आदिवासी हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, साथ ही साथ हमारी स्लिमिंग किट नहीं ली है, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, नंबरों पे कॉल कीजिए, अपने ऑर्डर प्लेस कीजिए।